मैं तकरीबन बहुत दिन के बाद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर आया हूँ। तकरीबन काफ़ी अरसे से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था यूट्यूब में, और काफ़ी फ्रेंड जो है मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि कुछ नया वीडियो बनाएं, और मैं सोचा बेहतर ये समझा कि इस पहले पिन के बारे में बताऊँ। आजकल नए नए पिन आते हैं मार्केट में, उसके बारे में पूरा समझा जाए कि चार्ज कैसे होगा, यूएसबी का लाइन क्या है, कौन से लाइन में कितना कौन क्या नाम है यूएसबी का, मैं आपको बताता चला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए नॉर्मल पिन अभी जो मार्केट में चलता है उसका है ये 5 पिन का। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है टाइप सी, इसके बारे में मैं बताऊँगा। मैं पहले ये 5 पिन के बारे में बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये 5 पिन का है, आपको क्लियर बता देता हूँ। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ये जियो का फ़ोन है, इधर का जो है प्लस है, इधर का फर्स्ट वाला पिन जो है ये 5 पिन है, इधर का फर्स्ट पिन प्लस है, उसको बोलते हैं कि VCH+। ये प्लस वाला लाइन हो गया। उसके बाद वाला लाइन जो है डाटा प्लस है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर डाटा माइनस, और चौथा नंबर काम में नहीं आता बहुत सारे फ़ोन में काम के लिए है। वो CPU को सिग्नल देता है, उसका काम यही है कि बहुत सारा मोबाइल में दिया हुआ नहीं रहता है, उसको माइनस ही कर देते हैं। और पांचवा नंबर जो है वो ग्राउंड है। अब मिसाल के तौर पर यह देख लीजिए, यहाँ देखो ये लग गया यहाँ पर, इसमें 4 वायर है। एक हो गया आपका VCH+ हो गया, ये प्लस वाला लाइन है 5 वोल्ट का। उसके बाद ये ब्लैक वाला जो है ग्राउंड हो गया। अब इसमें से जो डाटा प्लस एक है, डाटा माइनस एक है, ये सिंपल है। इसमें 5 पिन दिया हुआ है, इसमें डाटा केबल में 4 ही रहता है, कुल मिला के 4 ही रहता है, ठीक है। तो ये 4 पिन हो गया, 5 पिन पिन में 5 लाइन है, इसमें 4 है, तो एक्चुअली 4 ही यूज़ होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। आप टाइप सी के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइप सी के बारे में जानकारी ले लीजिए। टाइप सी इसमें कितना है, 17 पिन है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। मैं आपको सैमसंग A20 का मैं आपको बताऊँ टाइप सी का, इसमें आपका है 17 पिन। 17 पिन में आपको क्लियर दिख रहा होगा, इधर से 1 नंबर से 3 नंबर तक ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद है आपका VCC+ 5 वोल्ट। उसके बाद मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में अगर आ रहा होगा ठीक है, नहीं तो फिर मैं डायग्राम में जाता हूँ। चलिए मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ। से बना के रखा हूँ 17 पिन, कितने पिन है, इधर से 1 नंबर, इधर से 17, दूर से बताओ, इधर से 17, ठीक है। इधर से 1, 2, 3 नंबर के ग्राउंड दिखाता है ना, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक ग्राउंड है। ग्राउंड जहाँ जहाँ हाथ करने में बताऊँ, ये ग्राउंड हो गया। उसके बाद 4वां और 5वां नंबर, 3 इधर हो गया ग्राउंड। उसके बाद 4 और 5 नंबर VCC, ये प्लस वाला लाइन है चार्जिंग का 5 वोल्ट। उसके बाद यहाँ 5 हो गया, छठा नंबर हो गया SSKR+। इसके बारे में आप डिटेल बताऊँगा आपको, SSKR क्या होता है। उसके बाद वाला है SSRX-, ठीक हो गया। उसके बाद हो गया आपका डाटा प्लस,
डाटा माइनस, उसके बाद हो गया डाटा प्लस, फिर डाटा माइनस, फिर डाटा प्लस, फिर एस एस टी एक्स प्लस माइनस, फिर एस एक्स टी एक्स प्लस, उसके बाद फिर बी सी सी, उसके बाद इधर से फिर तीन तीसरा नंबर दिया होंगे। ये यू समझ लीजिए कि टाइप सी का जो टेबल होता है, आप इधर से लगाएं तब भी काम करेगा, उल्टा लगाएं तब भी काम करेगा। तो इधर दिया हुआ देखिए आधा लाइन जो है, इधर से भी आप एक नंबर इधर से भी कर सकते हैं, एक नंबर इधर से भी कर सकते हैं, एक नंबर उधर से भी कर सकते हैं, एकदम सेम दिया हुआ है। तीन नंबर इधर से भी ग्राउंड है, तीन नंबर इधर से भी ग्राउंड है। उसके बाद बी सी सी चार और पाँच नंबर में है, इधर से इसे भी, इधर से भी एक लाइन छूट गया है, इसमें 18 पिन का होता है। देखिए इसमें भी, सॉरी ये 18 पिन का है, 18 पिन। तो इधर से भी बी सी सी तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा नंबर बी सी सी, ये हुआ चार्जिंग वाला लाइन 5 वोल्ट, ठीक है। ये भी हो गया आपका 5 वोल्ट, ये हुआ चार्जिंग। और ये जो है एस एस के आर, ठीक है, ये दोनों जो है, ये इधर का दोनों और इधर वाला दोनों, ठीक है। ये जो टाइप सी में होता है, जैसे 50,000 40,000 का फ़ोन है, ठीक है, 40-50,000 के फ़ोन में ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन, ये 50,000 और 40,000 के फ़ोन में काम करता है। जो ज़्यादा महंगा है, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन काम करता है। बाकी आप मान के चलिए 10,000 का फ़ोन है, या फिर 15,000 का फ़ोन है, या 18,000 का फ़ोन है, तो ये डाटा प्लस डाटा माइनस, ये जो आप ये 5 पिन का लाइन है, ये डाटा प्लस डाटा माइनस, यही वाला काम थ्योरी काम होता है। अगर महंगा फ़ोन है तो ये दोनों, ये चार जो पॉइंट दिया हुआ है, तो दो ही मान के चलिए, चाहिए इधर से घुमाइए या उधर से घुमाइए, दोनों काम करेंगे। ये टाइप सी हो गया। और ये जो है आपका K9 मान के चलिए, या 5 पिन का जितना भी पिन है, 5 लेग का जितना भी पिन है, इसमें ये वाला लाइन काम आएगा। देखिए मैं आपको बताया वीडियो में, ये 5 पिन है, 1 2 3 4, चारवा नंबर तो जियो है, पांचवा नंबर काम करता है। ये फर्स्ट 5 वोल्ट है, BCH+, ये डायरेक्ट 5 वोल्ट आएगा। उसके बाद डाटा प्लस है, उसके बाद डाटा माइनस है, और पांचवा नंबर ग्राउंड है, ठीक है। ये चौथा नंबर काम नहीं करता, किसी किसी में काम करता है। तो चारवा नंबर जो है CPU में सिग्नल देता है, CPU में सिग्नल का काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे मोबाइल में दिया हुआ नहीं रहता है, इसमें दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ रहता है, किसी में दिया, अक्सर बेशतर दिया हुआ नहीं रहता, इसका कोई काम भी नहीं है, ठीक है। ये चार लाइन काम होता है, चार लाइन में काम होता है। तो टाइप सी के बारे में समझ में आ गया। अगर आपके पास एग्जाम्पल, अगर चार्ज करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पीना है। तो इधर से 3 ग्राउंड है, इधर से 3 ग्राउंड है, ये दोनों चार्जिंग वाला लाइन है, ठीक है। आपको इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, 5 वोल्ट है, इधर भी 5 वोल्ट, इधर भी। आपको अगर ये सब लाइन टूटा हुआ है, ये आपके मांगे चाहिए जितना लाइन है सब टूटा हुआ है, अब पिन निकालने के टाइम ये निकल गया है, ठीक है, पिन के साथ निकल गया, आपको चार्ज करना है सिंपल। तो इधर से 2-3 ग्राउंड है, इधर से 3 ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद ये दो यहाँ देख लीजिए, मान के चलिए VCC जो 5 वोल्ट है, यहाँ ज्वाइन कर दीजिए एक तो, और एक यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ये दोनों लाइन और दोनों बीच में ये जो ग्राउंड है GND, इधर भी GND, ये दोनों साइड में ग्राउंड है। तीन लाइन के बाद चौथा और पांचवा VCC है, VCC वाला लाइन है 5 वोल्ट का। तो एक लाइन यहाँ जोड़ना है आपको, एक लाइन यहाँ जोड़ना है,
उल्टा और सीधा करना है। अगर आपको ये भी लाइन टूटा हुआ है, एक तरफ का जोड़ने से एक तरफ से एक साइड से आपको चार्ज होने लगेगा, ठीक है। ये छोटा सा जानकारी के लिए मैं हाज़िर हुआ था। हो सकता है जो जो हजरात मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। आइंदा फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत सही रहे, और इसके लिए मैं आपको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।